सबसे हल्का परमाणु है, बहुत छोटा परमाणु है, उसी के जब हम स्पेक्ट्रम तो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में छह श्रेणी की रेखाएं मिलती। पहला है लाइमन श्रेणी, दूसरा है बामर श्रेणी, तीसरा है पाश्चन श्रेणी, चौथा है ब्रैकेट श्रेणी, पांचवा है फुंड श्रेणी, छठवां है हम्फ्री श्रेणी। ये छह श्रेणी की रेखाएं हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में प्राप्त होती है। वैसे तो हाइड्रोजन के परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उस परमाणु में एनर्जी लेवल तो अनंत होते हैं, कक्षाएं अनंत होती हैं, ऊर्जा स्तर अनंत होते हैं, और किसी एक परमाणु को लेकर के स्पेक्ट्रम नहीं लिया जाता। हम किसी बर्तन में हाइड्रोजन गैस भरेंगे तो पहले वे अणु के रूप में रहेंगे या H2 के रूप में, उसको एनर्जी देंगे तो वो टूट करके परमाणु में बदलेंगे और एक नहीं न जाने कितने परमाणु वहां रहेंगे, उनकी संख्या हम गिन नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन परमाणु रहेंगे, और जब एनर्जी मिलेगी परमाणु को तो जैसे आप जानते हो ये न्यूक्लियस है, ये एनर्जी लेवल है, इसके बगल एनर्जी लेवल है, तो यहां पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, पहले ऊर्जा स्तर में है तो एनर्जी पाएगा तो पहले से दूसरे में जा सकता है, पहले से तीसरे में जा सकता है, पहले से चौथे में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। एक परमाणु तो हमारे पास है नहीं, परमाणुओं का झुंड है हाइड्रोजन के, तो कोई पहले से दूसरे में जाएगा, कोई पहले से तीसरे में जाएगा, कोई पहले से चौथे में जाएगा, तो कोई पहले से हजारवे में जाए, कोई अनंतवे में जाएगा, बहुत से एनर्जी लेवल है। लेकिन ये ऊंचे एनर्जी लेवल में ये इलेक्ट्रॉन 10^8 सेकंड से ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। इसके बाद क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में आने लगते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, यदि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊंचे कक्षा से किसमें आए, पहले में आए, जैसे दूसरे से पहले में, तीसरे से पहले में, चौथे से पहले में, पांचवें से पहले में, छठवें से पहले में, यानी पहले में आए, तो जो रेखाएं मिलती हैं, एक रेखा नहीं मिलेगी, अनंत रेखाएं मिलती हैं, उनको कौन रेखाएं कहेंगे, लाइमन श्रेणी की रेखाएं। इसी प्रकार जब परमाणु या इलेक्ट्रॉन ये तीसरे से दूसरे में आए, चौथे से दूसरे में आए, पांचवें से दूसरे में आए, यानी दूसरे में आए, पहले में नहीं, दूसरे ऊर्जा स्तर में आए, तो कौन श्रेणी की रेखाएं मिलेंगी, बामर। याद रखना, किसी भी ऊंचे से पहले में आए, पहले ऊर्जा स्तर में, तो लाइमन श्रेणी की रेखाएं, दूसरे में आए तो बामर श्रेणी की रेखाएं, तीसरे में आए तो पाश्चन श्रेणी की रेखाएं, चौथे ऊर्जा स्तर में आए ब्रैकेट श्रेणी, पांचवें ऊर्जा स्तर में आए फुंड श्रेणी, छठवें ऊर्जा स्तर में आए तो हम्फ्री श्रेणी की रेखाएं मिलती है। हर श्रेणी में अनंत रेखाएं होती है, हर श्रेणी। लाइमन श्रेणी की रेखाएं
स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट रीजन पराबैंगनी क्षेत्र में मिलती है लाइमन श्रेणी की रेखाएं, और बामा श्रेणी की रेखाएं स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में दृश्य क्षेत्र में मिलती है, और पास्चन ब्रैकेट फुंड हम्फ्री ये सभी श्रेणी की रेखाएं स्पेक्ट्रम के इंफ्रा रेड रीजन औरत क्षेत्र में मिलती है। अब तरंगदैर्ध्य निकालना है, वन अपान लेमडा बराबर होता है आर, वन अपान वन स्क्वायर माइनस वन अपान एन स्क्वायर कर दे। ये सूत्र लाइमन श्रेणी के लिए हो गया। बामर के लिए निकालना है तो यहां दो रखना होगा, पास्टन के लिए तीन, ब्रैकेट के लिए चार, फुंड के लिए पांच, हम्फ्री के लिए सौ। और याद रखना ये जो एन का मान है, यदि यहां एक है तो एन का मान क्या लेंगे, ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन मतलब एक से बड़ा में इंटीजर पूर्णांक, दो तीन चार पांच छह, ये ले लीजिए। किस श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी की एक रेखा तो मिलनी नहीं है, देखिए बहुत सी रेखाएं मिलेंगी जब स्पेक्ट्रोस्कोप से देखेंगे ना, बहुत सी रेखाएं मिलेंगी, तो उन रेखाओं की तरंगदैर्ध्य निकालना है लिमडा। तो ये फॉर्मूला है, इसमें आर क्या है, रिडबर्ग स्थिरांक है, रिडबर्ग स्थिरांक इसका मान होता है 1.07 × 10^7 प्रति मीटर। तो ध्यान दें, हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कुल छह श्रेणी की रेखाएं मिलती है, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, हम्फ्री। लाइमन श्रेणी की रेखा कब मिलती है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊंचे कक्षा से पहले में तीसरे से, पहले में चौथे से, पहले पांचवे से, पहले पहले में आए तो लाइमन श्रेणी की, और ऊंचे से दूसरे में आए तो बामर श्रेणी की, ऊंचे से तीसरे में आए तो पास्टन श्रेणी की, ऊपर से चौथे ऊर्जा स्तर में ब्रैकेट श्रेणी, पांचवे ऊर्जा स्तर में आए तो कुंड, और छठवे में आए तो हम्फ्री। तो ये फार्मूला हमने किसके लिए लिखा है, लाइमन श्रेणी के जो रेखा है, अनंत रेखा है, उसकी तरंगदैर्ध्य निकालने की। अब जैसे लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की तरंगदैर्ध्य निकालनी हो तो इसमें एन बराबर दो रखेंगे, दूसरी रेखा की निकालनी है एन बराबर तीन, तीसरी रेखा की एन बराबर चार, इसी प्रकार आगे। लेकिन यदि बामर श्रेणी के लिए तो ये यहां पे वन नहीं रहेगा, टू स्क्वायर टू, फॉर्मूला वही। अब यहां यार इज ग्रेटर देन टू हो जाएगा, दो से बड़ा तीन चार पांच। इसी प्रकार पास्टन श्रेणी के लिए यहां क्या हो जाएगा, थ्री स्क्वायर, और यार का मान तीन से बड़ा हो जाएगा। किस श्रेणी के लिए, पास्टन श्रेणी के रेखाओं की तरंगदैर्ध्य निकालने के सूत्र। इसमें जब यन का मान रखेंगे तो तीन से बड़ा रखना है, यानी कहां से शुरू होगा, चार से, पहली रेखा के लिए चार, दूसरी के लिए पांच, इसी प्रकार आगे। ब्रैकेट के लिए यहां फोर स्क्वायर होगा, यानी ग्रेटर देन, फुंड श्रेणी के लिए यहां पांच का स्क्वायर होगा, ग्रेटर देन पांच होगा, हम्फ्री श्रेणी के लिए सिक्स का स्क्वायर यहां होगा, और यन ग्रेटर देन सिक्स। एक ही टाइप के फॉर्मूले से सारे काम हो रहे हैं, ये फॉर्मूला। इसमें एक तो कांस्टेंट है, इसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसका वैल्यू 1.0987 × 10^7 प्रति मीटर होता है, लगभग इतना मीटर, ये फिक्स है। अब हमने बताया कि लाइमन श्रेणी की रेखाएं कहां मिलती हैं, स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र, अल्ट्रावायलेट रीजन। बामर श्रेणी की रेखाएं स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में, विजिबल रीजन में मिलती हैं।
पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, हुंड श्रेणी, हम्फ्री श्रेणी की रेखाएं स्पेक्ट्रम के औरत क्षेत्र में इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। तुमको कि हाइड्रोजन के परमाणु में से कोई इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, एक अरे बेचारा, अरे बहुत करेगा, पहले से पूछ के किसी में चला गया, हजार रुपए में चला गया, तो फिर लौटेगा तो कितना लौटेगा, कहां कहां लौटेगा। तो बच्चों एक परमाणु लेकर स्पेक्ट्रम तो लिया नहीं जा रहा है, एक परमाणु लेकर परमाणुओं का झुंड रहेगा ना। हम किसी डिब्बा में हाइड्रोजन गैस भरेंगे तो क्या एक परमाणु रहेगा, उसमें अरबों खरबों परमाणु रहेंगे। तो कोई पहले से दूसरे में जाएगा, कोई पहले से तीसरे में जाएगा, कोई पहले जाने की बात कहां से शुरू होगी, पहले से, क्योंकि वही है इलेक्ट्रॉन का दूसरी कक्षा को दूसरा ऊर्जा स्तर, सेकेंड एनर्जी लेवल, आगे थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, फिफ्थ एनर्जी लेवल। तो जाने वाला काम, इलेक्ट्रॉन के कूदने का काम किधर से शुरू होगा, पहली कक्षा से, पहली से दूसरी में, पहली से तीसरी में, किसी में जाएगा। लेकिन आने वाला जो प्रोसेस है वो कैसा है, कहीं से भी आए पहली में आए, तब बोलेंगे कि भैया ये तो लाइमन श्रेणी की रेखाएं मिलेंगी, और कहीं से भी आए लेकिन दूसरे ऊर्जा स्तर में आए, दूसरे में आए, यहां वाले में आए, तो कौन श्रेणी, बामर श्रेणी की रेखाएं मिलेंगी। अब आप समझ गए होंगे, किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से तीसरे में आए तो पास्टन श्रेणी की रेखाएं मिलेंगी, किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से चौथे में आए तो ब्रैकेट श्रेणी की रेखाएं मिलेंगी, किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पांचवें में आए तो हुंड श्रेणी से कहां आए, छठवें में आए तो हम्फ्री श्रेणी की रेखाएं मिलेंगी। लाइमन श्रेणी की रेखाएं कहां पाई जाती है, स्पेक्ट्रम के कौन क्षेत्र में, पराबैंगनी क्षेत्र। बच्चों स्पेक्ट्रम में क्षेत्र बांट दिया जाता है कि इधर पराबैंगनी क्षेत्र है, इधर दृश्य क्षेत्र है, और इधर औरत क्षेत्र, बीच में दृश्य क्षेत्र और उसके बाद औरत क्षेत्र। पराबैंगनी क्षेत्र को अंग्रेजी में अल्ट्रावायलेट रीजन, तो उसमें जो कौन श्रेणी की रेखाएं मिलेंगी, लाइमन श्रेणी की, कई रेखा मिलेगी, अनंत इनफाइनाइट इनफाइनाइट लाइंस मिलेंगे। ये मत सोच लेना कि हम चार पांच को बनाए हैं जितने, ना इनफाइनाइट, हर श्रेणी में इनफाइनाइट लाइंस अनंत रेखाएं मिलेंगी। बामर श्रेणी की रेखाएं कहां मिलेंगी, स्पेक्ट्रम के कौन से पोर्शन में, दृश्य विजिबल रीजन में मिलेंगी बामर श्रेणी की रेखाएं, और पास्टन ब्रैकेट फुंड हम्फ्री औरत क्षेत्र। औरत क्षेत्र में भी कुछ को नियर और कुछ को फार, कुछ को कहते हैं सुदूर औरत क्षेत्र, कुछ को कहते हैं निकट औरत क्षेत्र। तो जो निकट में रहेगा वो निकट यानी नियर इंफ्रारेड रीजन, और जो दूर रहेगा फार इंफ्रारेड रीजन। किसी भी प्रकार की श्रेणी के रेखाओं की तरंगदैर्ध्य निकालने का जनरल फार्मूला क्या होगा, तो यहां N1 स्क्वायर कर देना है और यहां N2 स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए, जनरल फार्मूला हो गया सबके लिए। अब लाइमन श्रेणी के लिए यहां N1 बराबर 1 रखना है, किसके लिए, लाइमन श्रेणी के लिए N1 बराबर 1 और N2 बराबर N2 ग्रेटर देन 1 लेना है, एक से बड़ा, यानी 2, 3, 4, 5 से अनंत तक। इसी प्रकार बामर श्रेणी के लिए यहां N1 बराबर 2 लेना है, N2 बराबर 2 से ज्यादा। पास्टन के लिए N1 बराबर 3, N2 बराबर ग्रेटर देन 3। अब आप समझ गए होंगे, ऐसे ही आगे है, यदि हमको एक सूत्र याद रहे तो हम सबके लिए निकाल सकते हैं। इसमें 1/λ को क्या कहते हैं जानते हो, इसको तरंग संख्या कहते हैं।
किसको? वन अपान लेमडा, वन अपान लेमडा को तरंग संख्या कहते हैं, इसे न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। ये न्यू बार क्या है? तरंग संख्या है, वेव नंबर है। कौन सा नंबर? वेव नंबर है। लेमडा का मात्रक क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, ये। लेकिन तरंग संख्या का मात्रक क्या है? प्रति, प्रति लगा देंगे, प्रति, प्रति सेंटीमीटर, प्रति मीटर, प्रति एंगस्ट्रॉम। तो वन अपान लेमडा बराबर क्या होता है? आर इंटू ब्रैकेट में वन अपान एन वन स्क्वायर माइनस वन अपान फॉर लाइमन सीरीज एन वन स्क्वायर टू वन, फॉर बामर सीरीज एन वन स्क्वायर टू टू, फॉर पास्टन सीरीज एन वन स्क्वायर टू थ्री, फॉर ब्रैकेट सीरीज एन वन स्क्वायर टू फोर, फॉर फुंड सीरीज एन वन स्क्वायर टू फाइव, फॉर हम्फ्री सीरीज एन वन स्क्वायर टू सिक्स, और इधर एन टू स्क्वायर ग्रेटर देन फोर, यहां एन टू ग्रेटर देन फाइव, यहां एन टू ग्रेटर देन सिक्स।